हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, आज है सैटरडे और हम जा रहे हैं कहीं बाहर, और ये छिपकली आ गई है बीच में। ये देखिए, ये इतना सज धज के जा रही है डॉक्टर को, डॉक्टर को अपने दांत दिखाने। बताइए, देख रहे। तो गाइस, आज है सैटरडे, छुट्टी का दिन है। नाश्ता पानी, चाय कॉफी सब हो गई है, और बज रहा है अभी अभी 10:30 समथिंग हो रहा है। और हमारा है डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। इनके सारे के सारे दांत सड़ चुके हैं। दिखाओ अपने दांत। नहीं दिखा रहे। इनके सारे के सारे दांत सड़ चुके हैं, तो अब हम जाएंगे इनके दांत तोड़वाएंगे हथौड़े से। हथौड़े से तोड़वा देना, आपके तोड़ दूंगी दांत सारे। कमेंट करके बताओ जो चाहता है कि इनके सारे दांत हथौड़े से तोड़ दिए जाए। तो गाइस, फटाफट निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, हम निकल पड़े हैं, और गर्मी बहुत है आज यहाँ पे गुड़गांव में, काफी गर्मी हो रही है। देखिए छिपकली किस तरह अपनी आंखें मटका रही है। तो अब देखते हैं इनके दांतों को किस तरह तोड़ा जाता है आज। आपके तोड़वा दूंगी दांत, 70,000 के दांत लगवा के बैठे हो। ज्यादा 70,000 के नहीं है, 70,000 के लगवाए। 70 है वो। 70,000 के दांत लगवाए हैं इन्होंने। इनकम टैक्स वाले रेट मार देंगे मेरे ऊपर। सोने के दांत लगवाए हैं, आप लोगों को पता नहीं है। सोने के तो लगवाए, क्योंकि मैं पहनता नहीं हूँ ना सोना, दांत लगवाता हूँ सोने के। सोने के दांत लगवा रखे हैं। हम पहुंच गए हैं। आज कौन सी गाड़ी लेके जाएंगे? एक ही गाड़ी तो एक ही है, मैं भूल गया था। पार्किंग में इतनी सारी गाड़ियां देख के मुझे लगा कि सारी हमारी ही है। वेरी फनी। ओपन इट। सो हम निकल चुके हैं घर से, और हम जा रहे हैं अब डॉक्टर्स के क्लिनिक पे। तो देखेंगे, इन्होंने 70,000 के दांत लगवाए हैं, 50,000 के तो मैं लगवाऊं। बनता है इतना तो बनता है। कोई 70,000 का दांत नहीं लगा है। 70,000 के दांत लगवा रखे इन्होंने, और मेरे लिए कैसे चश्मा नहीं खरीद रहे। मुंह ही छोटा है उनका। क्या मुंह छोटा है तो क्या मेरे लिए चश्मा नहीं आएगा? जरा 4 साल से एक चश्मा नहीं मिला। इनके लिए ऑर्डर स्पेशली ऑर्डर करना पड़ेगा। 50 दुकानें ढूंढ चुके, नहीं मिल रहा। इनके लिए कंपनी से ऑर्डर देके बनवाना पड़ेगा। क्या करूं, इतना मेरा मुंह छोटा है, मैं क्या करूं। राइट कैसे लिया जाता। हम लोग पहले पेट्रोल पंप पे हवा भरवा लेते हैं इनके दिमाग की। इनके दिमाग की दिमाग में तो देख लो, दिमाग में ही हवा बर्बाद है। फिर बाद में आप लोगों से बातें करते हैं क्लिनिक पहुंचने के बाद, तो बने रहिए। मानसी जी, आप क्या कर रही हैं? इनको हर जगह फॉर्म भरने दे दिया जाता है। लास्ट टाइम भी जब उनका पहले वैक्सीन लगवाने तब भी इनको फॉर्म दे दिया था भरने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? पहले मेरे दांत तो दिख रहे हैं, तो मैं 1 2 3 4 डैमेज। इनका पूरा जबड़ा निकलवा देते हैं। फिर आप तो सोचो, आप भी जाओगे। क्यों, मैं क्यों सोचूं? ये पंच पड़ेगा दांत पे, जितने दांत है 70,000 के कोर निकाल लेंगे हम। 70,000 तुम काफी आंकड़ा तुम लाई कहाँ से? 70,000 का मैं 70 को 70 बना लिया हमने। देख रहे हो गाइस, 17 को 70 बना दिया इन्होंने। कमाल की टक्कर नहीं है।
देखते हैं कि ना टूट पाते हैं कि नहीं आज। जनता को मेरे सही है एकदम। डॉक्टर ने बोल दिया है आई एम सॉरी, इनके दांतों का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बोला है दांत इनके सड़ चुके हैं सारे। नहीं, चार दांत खराब हैं। चार दांत खराब हैं और दो दांत है ही नहीं। हाँ तो दो दांत नहीं है तो क्या हो गया? नहीं दांत है तो वो दिक्कत, मतलब ऐसे है कि ऊपर से वो खत्म हो गए हैं और उनकी जड़ बची हुई है तो वो पूरा इनका उखाड़ना पड़ेगा दांत। हाँ तो उखाड़ना क्या, वो थोड़े थोड़े से रूट्स बचे हुए हैं उसे निकाल के क्लीन कर देंगे वो। तुम एक काम करो ना, तुम पूरे दांत निकलवा लो और वो जो नकली पत्ती आती है वो बनवा लो बढ़िया, दिन में लगाओ रात में बढ़िया उसको पानी में डाल के सो जाओ। चुप। आपके दांत ना तोड़ के लगा लो। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या बेस्ट रहेगा इनके लिए, सारे दांत निकलवाना या कुछ दांत निकलवाना। मेरे हिसाब से तो सारे दांत निकलवाना बेटर रहेगा। बक जाओ यहाँ से, सारे दांत निकलवा दो और बढ़िया बत्ती लगाओ नकली वाली, जिंदगी भर का झंझट ही नहीं। नो दांत निकलवाना है। नो मतलब नो। पहले तो देखो इनको देख के चेकअप करके डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, फिर मैंने उसके हाथ पैर जोड़े कि भैया कर दो ट्रीटमेंट। देखो हाथ पैर जोड़ रहे हैं ये, तब जाके उसने हाँ बोला है। पहले तो उसने बोल दिया था सीधा आई एम सॉरी। अच्छा, जैसे हम तो डेड होने वाले हैं ना, यहाँ बोल दिया आई एम सॉरी, मतलब दांत के ट्रीटमेंट के लिए आई एम सॉरी। और देखते हैं हमें हमारे जरूरत के मुताबिक मिलता है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू आर स्टूडियो रूम हमें उस कलर से मैच करता हुआ चाहिए और साइजिंग वगैरह भी है उसकी, तो उस हिसाब से हमें चाहिए जो साइज हमारे स्टूडियो रूम में फिट हो। तो लेट्स सी, देखते हैं, पहुंचते हैं शॉप में आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमने फर्नीचर सारे वहीं से लिए हैं अपने, राइट। और अभी भी हमारे फर्नीचर एकदम फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, तो उनमें पॉलिश की भी कोई दिक्कत नहीं हुई है और फर्नीचर भी मतलब अच्छे से यूज करते हैं और 4 से 4.5 साल हो रहे हैं धीरे धीरे, और फर्नीचर हमारे एकदम बढ़िया है, बिल्कुल खराब नहीं हुए। तो ट्रस्टेबल शॉप है, हम जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या हमें मिलता है वहाँ पे मेरे हम लोग के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आपको भी दिखाते हैं वहाँ पहुँच के, तब तक आप बने रहिए। तो सीविल का माल यूज कर रहा है, इसमें क्या होता है कि सर हम लोकल के लिए कस्टमर से कहते हैं बाहर नहीं, बाहर आप देख किसी अदर दुकानदार से ले, तो आप भी सस्ता लोगे वहाँ से, तो हम कस्टमर से कहते हैं सस्ता हम भी देंगे आप सी बिल मत लीजिए, लोकल फोन ले लीजिए सस्ता, वो चीज़ है अदर तुम कंपनी का ही बनाते सी बिल। हाँ, गर्मी धूप में गाड़ी रखी रखी एकदम गर्म हो गई थी। प्रेशर कुकर बन गई थी। अभी एकदम फुल पे एसी चलाया है, तब भी अभी ठंडा होने में टाइम लग रहा है। सीरियसली मतलब इतनी गर्मी, बाप रे। ऑमलेट अगर इसके ऊपर रख देते तो पक जाता। तो शॉपिंग हो गई है डन। शॉपिंग क्या मतलब, हमने वो ऑर्डर दे दिया है क्योंकि वो ऑर्डर पे बनने वाला है, और सोफा ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि हम सोफा लेने गए थे फर्नीचर शॉप पे, और हमने ऑलरेडी दिखा दिया है कि क्या क्या वहाँ पे मिल रहा है लाइक। तो अब
अब हम फाइनल कर चुके हैं, तो आपको किसी अनदर ब्लॉग में मिलेगा हमारा वो सोफा एग्जैक्टली व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड। तो या सोच समझ के ऑर्डर किया है काफी कुछ कलर कॉम्बिनेशन, और बेसिकली इस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं पिछले 3 महीने से। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारा काम कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारा स्टूडियो रूम परफेक्ट हो रहा है। 3 महीने में तो दीवार पेंट हो पाई। हाँ सीरियसली, दीवार पेंट, वॉल पेंट, फिर सोफे के बारे में फाइनल करना, और हम थोड़ा कछुए की चाल से चल रहे। कछुए की चाल नहीं, फिर हमने कारपेट भी खरीदी थी जो मतलब हमारे अकॉर्डिंग फिट नहीं आई हमारे कमरे में, और कारपेट को फिर हमने कैंसिल किया, और फिर अब हम सोफे पे आ गए। तो हमने सोफे को फाइनल किया है, और या दिस इज टू देन अब हम प्लान कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस ये कह रहे हैं कि इनकी चप्पल अच्छी है गाड़ी चलाने के लिए। गाड़ी चलाने, टेल योर एक्सपीरियंस, चलाने यार सीरियसली इनके कान खराब हो गए। आई डोंट नो व्हाई ही सेइंग कि इनको जलाने जलाने सुनाई दे रहा है, इन्हें कुछ का कुछ सुनाई दे रहा है, कान में कुछ मैल ज्यादा फंस गया है आई थिंक। यस चलो तुम ज्यादा मत पकाओ। मैं पका नहीं रही हूँ, मैं तो बातें कर रही हूँ सबसे। क्यों? यस यार देखो सब लोग हाँ बोल रहे हैं। वेरी फनी। या तो हम लोग निकल चुके हैं शॉप से और अब हम घर जा रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली हमारा कहीं भी जाने का मूड नहीं है, ना कोई प्लान है हमारा, और ना ही हम कहीं जाते हैं। तो हमारे खरे साहब हमें कहीं नहीं घुमाते हैं, 4 साल हो गया कहीं नहीं घुमाया, एक चश्मा भी नहीं दिलाया, कहीं नहीं घुमाया। 2 साल से कहीं नहीं घुमाया। 2 साल से क्या हो रहा था, दिख नहीं रहा है, कोरोना फैला हुआ है। चलो गाइस आप लोग करो ये व्लॉग एंजॉय, हम मिलते हैं घर पहुंचने के बाद, सो बने रहिए। सो गाइस वी आर बैक होम, और मानसी तैयार है अपने 15 अगस्त के लिए, इतना बड़ा झंडा इन्होंने खरीद लिया है। हाथ से कर लो और काफी बड़ा झंडा हमने खरीद लिया है। So we are ready for our 15 August celebration. Yeah. Jhanda ucha rahe hamara. So isko aap set up karna balcony mein. Bilkul kar denge sir. It's your work. It's your job. It's your job. It's your job. To block kahin khatam kar diya jaye. कर सकते हैं, अदरवाइज हम चाय पे मिलते हैं आपसे। ओके सो मिलते हैं चाय पर, बाय। हे गाइस तो अभी हो रहा है क्या बताओ मानसी, ऑर्डर कर रखा है जो कि बाहर से आने वाला है, ये सिर्फ इन्होंने किया है, आई डिडंट सजेस्ट। तो अभी एक्चुअली 4 बज चुके हैं और हमको घर आए 2-3 घंटे हो चुके हैं, काफी टाइम लग गया था और थक भी गए थे, तो हमने चाय वगैरह भी, उसके बाद हम सो गए थोड़ा आधा घंटे के लिए। आप सोए हो? हाँ मतलब मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, तुम तो सोती नहीं हो ना। मैं काम कर रही थी वीडियो का, आपको तो मेरे वीडियो के काम की कोई कदर नहीं है। अभी अभी इन्होंने मुझसे कहा यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, और मैं 24 घंटे काम करती हूँ फिर भी मुझे बोला, पूछो इनको डायरेक्टली, आस्क हिम। मैं सारे के सारे आरोप एकदम क्या करते हैं उसको, पॉलिटिशियन क्या बोलते हैं, सिरे से नकारता हूँ और इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, भगो यहाँ से। तो अभी हम शूट करने वाले हैं कुछ रिएक्शन वीडियोस, और उसके बाद फूड आ जाएगा, तो तब तक फूड खाएंगे, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो जिस तरह का हमारा सेटअप रहता है, तो अभी हमारे सेटअप में कुछ चेंजेस होने वाले हैं जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ओके इसमें हम काम कर रहे थे पिछले 3 से 4 महीने से, जो अब जाके 80% कंप्लीट हुआ है, 20% अभी भी बाकी है। और ये हमारा स्टूडियो रूम है, यहाँ पे एक अलमीरा है जो कि कवर्ड है, इसके बाद एक ये ड्रेसिंग है, इसको हम खोल के रखते हैं, तो ये हमारा इको से हमको बचाता है, क्योंकि अभी तक इस रूम में जो जो होते हैं जो साउंड ऑब्जर्व
गूंजती है। उसको करने के लिए लगाया जाता है, वो हमने नहीं लगाया अभी तक। कुछ ऐसा खास सेटअप है नहीं यहाँ पे। एक ये ड्रेसिंग टेबल है और एक हमारा एसी लगा हुआ है, एक आप हो और एक मैं हूँ, एक एक पंखा भी हमारे पास और दो लाइट भी है। करो क्या आप एक एक टाइल भी गिनाओगे? और ये टाइल्स भी है कुछ हमारे पास। सो मिलते हैं थोड़ी देर। तो गाइस फूड आ चुका है और ये हमारा फूड काफी अनहेल्दी हमने ऑर्डर किया है आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैंने नहीं बोला था। काफी दिनों से हम लोग ये सब अवॉइड कर रहे थे, पिज्जा वगैरह, बट अभी आज काफी दिनों बाद मन हुआ खाने का तो हमने ऑर्डर कर लिया है। सो वी आर रेडी फॉर आवर फूड और फूड के साथ हम देखते हैं टीवी। तो टीवी हमारी तैयार है, कोई एक मूवी वगैरह लगाई जाएगी और फूड को किया जाएगा इंजॉय। तो आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बस कहना चाहूंगी टाटा बाय बाय, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपना फूड एंजॉय करने। यस गाइस, तो अब ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। फूड के बाद हम जाएंगे फिर से अपने रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करने और डे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आज लाइव भी करना है, सैटरडे है तो लाइव में आपको कुछ वीडियो मिलेगा। वीडियो आपको बहुत बाद में मिलेगा, लाइव तो आज हो ही जाएगी। तो गाइस अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।